पाठ 12 किरिया अते काल। किरिया। प्यारे बच्चेओ, जिना शब्दां तो किसे काम दे करन, होन, सहन आदि बारे काल सहत पता लगे ओहो किरिया आखवांदे हन। वेखो, पढ़ो अते समझो। रोहन गीत गाउंदा है, पंछी उड़दे हन, बब्बू रोटी खा रहा है, तोते ने हरी मिर्च खादी, कुड़ी ने रस्सी टप्पी, सूरज अस्त होया, खोता पार टोवेगा, पजन चा पीवेगा, शेर शिकार करेगा। किरिया दियां किस्मा। पंजाबी व्याकरण विच किरियावां दो हन, अकर्मक किरिया, सकर्मक किरिया। अकर्मक किरिया। जेड़ी किरिया कर्म तो बिना वापरे उसनू अकर्मक किरिया आखदे हन। जिमें मीं पै रहा है, बच्चा खेड रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। सकर्मक किरिया। जेड़ी किरिया कर्म सहित वापरे उसनू सकर्मक किरिया आखदे हन। जिमें बच्चा गेंद नाल खेड रहा है, विद्यार्थी किताबां पढ़ रहे हन, मुंडे ने दूध पीता। काल। प्यारे बच्चेओ, काल दा अर्थ है समा, अर्थात किरिया, अर्थात किरिया जेड़े समय विच वापरे ओ किरिया दा समा भाव काल हुंदा है, इसे नू ही काल आखदे हन। वेखो, पढ़ो अते समझो। बच्चा रोटी खांदा है, मनजीत ने रस्सी टप्पी, स्वाति स्कूल जावेगी। काल दियां किस्मां। पंजाबी व्याकरण विच काल तीन हन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविखत काल। वर्तमान काल। जेड़ी किरिया मौजूदा अर्थात चल रहे समय विच वापरे वर्तमान काल अखवांदी है। जिमें चिड़ी चोगा चुग रही है, कणियां पै रहियां हन, मम्मी लोरी सुनांदी है। भूतकाल। जेड़ी किरिया बीत चुके समय विच वापरे भूतकाल अखवांदा है। जिमें कुत्ता उच्ची उच्ची भौंकिया, दोस्तां ने गल कीती, पुत्तर ने मां तों फीस मंगी। भविखत काल। जेड़ी किरिया आउण वाले समय विच वापरनी होवे ओह भविखत काल समा हुंदा है। जिमें अध्यापक पाठ पढ़ावेगा, बांदर छाला मारेगा, चिड़ी दाना चुगेगी। याद रखो जी, जिना शब्दां तो किसे काम दे होण या करन बारे काल सहित पता लगे किरिया आखवांदे हन। किरिया दो प्रकार दी हुंदी है, अकर्मक किरिया अते सकर्मक किरिया। अकर्मक किरिया कर्म तो बिना हुंदी है, जबकि सकर्मक किरिया कर्म सहित हुंदी है। काल तो भाव है समा, किरिया जेड़े समय विच वापरे उसनू काल आखदे हन। काल तीन हन, वर्तमान काल, भूतकाल अते भविखत काल। वर्तमान काल चल रहा समा, भूतकाल बीत चुका समा अते भविखत काल आउण वाला समा हुंदा है।